हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश विद रश्मि आशीष। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने पोएम द ट्रू ब्यूटी का सेंट्रल आइडिया पढ़ा था और उसे हिंदी में भी समझा था। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए पोएम द ट्रू ब्यूटी के पहले स्टेंजा का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन बताऊँगी, जिससे आप लोगों को एक्सप्लेनेशन करने का आइडिया मिल जाएगा। आइए स्टैंजा पढ़ते हैं। ही दैट लव्स ए रोजी चीक आर ए कोरल लिप एडमायर्स आर फ्रॉम स्टार लाइक आइज डोथ सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स एंड ओल्ड टाइम मेक्स दिस डिके सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो मैंने आपको रेफरेंस के बारे में बताया था कि रेफरेंस लगभग सभी पोएम का सेम रहेगा और उसमें पोएम का नाम और पोएट के नाम में परिवर्तन कर देते हैं। रेफरेंस, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, यहाँ पे पोएम होगा ए ट्रू ब्यूटी कंपोज्ड बाय थॉमस कैरी। ये पंक्तियाँ ट्रू ब्यूटी नामक पोएम से लिया गया है जिसको थॉमस कैरी ने लिखा है। दीज लाइन्स की जगह आप दिस स्टैंजा भी कर सकते हैं। दिस स्टैंजा के साथ फिर हैव की जगह हैज लगेगा। कंटेक्स्ट, द पोएट टेल्स अस दैट लव बेस्ड ऑन ए फिजिकल ब्यूटी इज नॉट परमानेंट। स्टूडेंट, हमने इसका इस पोएम को बहुत अच्छे से पढ़ी थी, इसका हमने भावार्थ समझ लिया है कि पोएट कहना क्या चाहता है। पोएट फिजिकल ब्यूटी और स्पिरिचुअल ब्यूटी के बीच में अंतर बताते हैं, उसी को हम एक्सप्लेन करके आगे देखते हैं। द पोएट टेल्स अस दैट लव बेस्ड ऑन फिजिकल ब्यूटी इज नॉट परमानेंट। कभी हमें बताते हैं कि वह प्यार जो शारीरिक सौंदर्य पर आधारित होता है वो स्थायी नहीं होता। इट वैनिसेस व्हेन ब्यूटी डाइज। जैसे सौंदर्य डाइज होता है, यानी जैसे सौंदर्य समाप्त होता है, यह भी समाप्त हो जाता है। वैनिसेस मीन्स गायब होना, समाप्त होना। एक्सप्लेनेशन, द पोएट अवेयर्स अस, अवेयर्स मीन्स हमें चेतावनी देते हैं, कभी हमें चेतावनी देते हैं, दैट फिजिकल ब्यूटी इज टेम्परेरी नॉट परमानेंट अर्थात टेम्परेरी। शारीरिक सौंदर्य क्षणिक है। ए लवर हु इज अट्रैक्टेड बाय द फिजिकल चार्म्स ऑफ हिज बिलव्ड लव्स हर रोजी चीक्स स्टार लाइक आइज एंड कोरल लिप्स। एक ऐसा प्रेमी हु इज अट्रैक्टेड बाय फिजिकल चार्म्स ऑफ हिज बिलव्ड, जो अपनी प्रेमिका के शारीरिक आकर्षण से आकर्षित होता है। बिलव्ड मीन्स प्रेमिका। लप्स हर रोजी चीक, वो क्या, वो अपनी प्रेमिका से नहीं, प्रेमिका के गुलाबी गाल से, स्टार लाइक आइस एंड कोरल लिप्स, सितारों जैसी चमकती हुई आंखों से और मूंगे जैसे लाल होठों से प्रेम करता है। दीज फिजिकल अट्रैक्शन सप्लाई फ्यूल फ्यूल टू फायर टू हिज लव। सप्लाई मीन्स पूर्ति करना, फ्यूल मीन्स ईंधन, फायर मीन्स आग, लव मीन्स प्रेम। ये शारीरिक आकर्षण प्रेम रूपी अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए ईंधन की पूर्ति करते हैं। कौन? गुलाबी गाल, सितारों जैसी आंखें और मूंगे जैसे लाल होंठ। हाउ यूअर फिजिकल ब्यूटी विल डीके विद द पैसेज ऑफ टाइम। फिर भी पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय गुजरता है, ये शारीरिक सौंदर्य डीके हो जाता है। समय के साथ साथ शारीरिक सौंदर्य समाप्त हो जाएगा, मुरझा जाएगा। एंड व्हेन इट फेड्स अवे हिज लव आल्सो कम्स टू एन एंड। और जब ये सब मुरझा जाएगा तो उसका प्रेमी का प्रेम भी समाप्त हो जाएगा। स्टूडेंट्स, कुछ यहाँ पर नोट करने की चीज़ें हैं, नोट है जिसको आप लिख सकते हैं। अगर एग्जाम में लिखेंगे तो आपके नंबर पर असर डालेगा, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। द फिगर ऑफ स्पीच इन द फ्रेज स्टार लाइक आइज इज सिमली, यहाँ पे लाइक का प्रयोग हुआ, स्टार लाइक आइज
सितारों जैसी आंखों में, तो कौन सा अलंकार हुआ? सिमिली फिगर ऑफ स्पीच हुआ, उपमा अलंकार हुआ, मेटाफार इज यूज्ड इन कोरल लिप्स, लाल होंठ में मेटाफार रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पढ़ते रहिए एंड टेक केयर योर सेल्फ। थैंक्स।